Hello everyone, in this video lecture of digital electronics or digital system design, I am going to discuss T flip flop. T stand for toggle flip flop or trigger flip flop. क्या याद रखना है कि T का means होता है toggle और trigger flip flop, ठीक है. Now T flip flop basically JK flip flop से बना है. What is the difference between JK and T? JK में क्या होता है, two inputs होते हैं J and K, while in case of T ये दोनों ही input short होंगे, means K एंड J, और हम J की जगह पर क्या लिखेंगे, T. मीन्स T ही अप्लाई होगी J पर भी और T ही अप्लाई होगी K पर भी. तो दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है. पहले हम इसका करेंगे स्टेट टेबल, देन ट्रुथ टेबल, देन एक्साइटेशन टेबल, देन स्टेट डायग्राम एंड वेव फॉर्म, ठीक है. सबसे पहले क्या होगा, क्लॉक, देन इनपुट T, प्रेजेंट स्टेट Qn, नेक्स्ट स्टेट Qn प्लस 1, ठीक है. नाउ क्लॉक को तो हम मान के चलते हैं कि एक्टिव होगी, उसके लिए ही तो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है. नाउ टी के दो पॉसिबिलिटीज है, टी एक ही बिट है, मींस इट कैन बी अ जीरो और वन. अगर ये जीरो है तो प्रेजेंट स्टेट मे बी जीरो मे बी वन, दोनों केसेस कंसीडर करने होंगे. सेम वे इफ टी इज इक्वल टू वन तो भी प्रेजेंट स्टेट के हमें दोनों ही केस देखने होंगे. यहां पर क्या होगा, क्लॉक हाई होगी, ठीक. नाउ अगर हमें वर्किंग देखनी है तो इफ यू रिमेंबर In case of JK flip-flop, when J and K both was equal to 0, Qn plus 1 will be equal to Qn, ठीक है. And when J and K both equal to 1, in that case, next state जो होती थी, वो present state की complement होती थी, ठीक है. तो ये case क्या हो गया, J and K जब दोनों ही 0 है, means T की value अगर 0 है, तो next state क्या होगी, जो present state है. And J and K is equal to 1, means when T is equal to 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगी, ठीक है. हम एक वेरीफाई भी कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेट यहां पर वैल्यू ली जीरो, तो ऑब्वियसली ये क्यूएन बार जो होगा दिस विल बी वन, ठीक है. नाउ अब टी की वैल्यू को हमने अगर जीरो लिया, ठीक है, तो ये नैंड गेट है, इस दोनों इनपुट पर क्या आ रहा है, जीरो जीरो, मीन्स यहां क्या अप्लाई होगा, वन और वन, क्लियर है, वन वन अप्लाई हुआ. नाउ लेट फॉर दिस फ्लिप फ्लॉप वन और वन के कॉम्बिनेशन से यहां हमें क्या मिलेगा, जीरो, और अगर यहां जीरो है तो ऑब्वियसली यहां क्या होगा, वन, ठीक है. तो फर्स्ट वाला केस वेरीफाइड, मींस कि इफ टी इज इक्वल टू जीरो, प्रेजेंट स्टेट वाज जीरो, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी जीरो. दिस शो प्रेजेंट स्टेट, दिस शो नेक्स्ट स्टेट, ठीक है. सेम वे इफ टी इज इक्वल टू जीरो, प्रेजेंट स्टेट इज वन, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी वन, ठीक है. ये तो मैंने वेरीफाई किया, आपको एग्जाम में वेरीफाई नहीं करना, आप ये लॉजिक भी याद रखेंगे तो हो जाएंगे. जस्ट वेरीफाई मैं करा रही हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं है. नाउ अब हम सेकंड केस भी वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है. नाउ टी इज इक्वल टू वन, इफ टी इज इक्वल टू वन तो जे भी वन होगा और के भी वन होगा, ठीक है. नाउ अब देखो नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ एनी इनपुट इज जीरो देन आउटपुट विल बी हाई, क्लियर है. तो नाउ इसके केस में देखो यहां से वन जा रहा है, मींस यहां भी वन है, जे भी वन है, क्लॉक भी वन है, तो यहां क्या मिलेगा हमें, जीरो, ठीक है. नाउ इन दिस केस यहां से जीरो अप्लाई हो रहा है, क्लॉक की वैल्यू वन है, और यहां के की वैल्यू वन है, क्लॉक की वैल्यू वन है, मींस यहां हमें क्या मिलेगा, वन, बिकॉज एक इनपुट जीरो हो गया. नाउ नैंड गेट है तो हम पहले जीरो वाले का कैलकुलेट करेंगे, जीरो वाले को फीडबैक क्या मिल रही है, वन, जीरो और वन मिल रही है तो नैंड गेट की आउटपुट क्या होगी, वन. अगर यहां वन होगा तो ऑब्वियसली यहां क्या होगा, जीरो. तो नाउ यू कैन सी व्हेन टी इज इक्वल टू वन देन आउटपुट क्या होगी, टॉगल होगी, मींस चेंज होगी. मींस इफ टी वाज वन, प्रेजेंट स्टेट इज जीरो, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी वन. इफ टी इज वन, प्रेजेंट स्टेट इज वन, नेक्स्ट स्टेट विल बी जीरो. तो दिस इज द स्टेट टेबल, क्या होगा इनपुट और यहां पर क्या होगी नेक्स्ट स्टेट, T और यहां क्या होगा Qn plus 1. If T is equal to 0, next state will be present state. If T is equal to 1, next state will be complement of present state, means just opposite. Excitation table बनाते हैं. Excitation table में क्या होता है, present state and next state input side और T की value output side. तो input पे क्या होंगे, inputs और output. Input will be present state and next state. Output पर क्या होगा, T. Now दो bit है, four combination, ठीक है. नाउ अब देखो चेंजेस कब हो रहे हैं, जीरो जीरो पर टी की वैल्यू क्या है, जीरो. जीरो से वन मींस कि प्रेजेंट स्टेट इज जीरो, नेक्स्ट स्टेट इज वन, टी की वैल्यू क्या होगी, वन. इफ प्रेजेंट स्टेट इज वन, नेक्स्ट स्टेट इज जीरो, टी की वैल्यू क्या होगी, वन. इफ बोथ इज वन, मींस प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट बोथ वन, तो टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो. तो दिस इज एक्साइटेशन टेबल. नाउ अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मींस नेक्स्ट स्टेट की टेबल इक्वेशन क्या होगी. तो नाउ इन दिस टू वेरिएबल्स, मींस टू वेरिएबल की मैप इज रिक्वायर्ड.
आप किसी भी एक्सेस पे कुछ भी ले सकते हो। लेट मैंने इस एक्सेस पे टी लिया, इधर मैंने क्यू एन लिया, टी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 1, क्यू एन की वैल्यू 0, क्यू एन की वैल्यू 1। नाउ अब हमें प्लॉट क्या करना होता है, क्यू एन प्लस 1 के लिए है, तो क्यू एन प्लस 1 हाई कहां पर है इस केस में, टी की वैल्यू 0, क्यू एन की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 0, क्यू एन की वैल्यू 1 मींस दिस टर्म। नाउ यहां पर 1 है, टी इज 1, क्यू एन इज 0 मींस दिस वन। नाउ यू कैन सी देयर इज नो पेयर पॉसिबल, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 मींस टी बार, क्यू एन इज 1 मींस क्यू एन प्लस टी इज इक्वल टू 1 मींस टी, क्यू एन इज 0 मींस क्यू एन बार। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं इसका स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम के लिए भी हमें चाहिए होती है स्टेट टेबल ही। नाउ एक ही फ्लिप फ्लॉप है मींस किसकी दो ही स्टेट पॉसिबल होंगी, आइदर 0 और 1। ठीक है दो स्टेट्स होंगी, आइदर 0 और 1। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 पर कब गया, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0 व्हेन टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 1 से 1 पर कब गया, मींस की प्रेजेंट स्टेट भी 1 थी, नेक्स्ट स्टेट भी 1 आई व्हेन टी इज इक्वल टू 0। 0 से 1, 0 से 1 कब गया, व्हेन टी इज इक्वल टू 1। 1 से 0 कब आया, जब टी की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, तो दिस इज स्टेट डायग्राम। स्टेट टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड स्टेट डायग्राम। नाउ अब हम इसका वेवफॉर्म देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने एट रैंडमली क्लॉक बना ली, उसमें कोई काउंट नहीं है, आप कितनी भी दे सकते हो। नाउ वन मोर थिंग, आप वेवफॉर्म ड्रॉ करोगे तो वो टू टाइप्स की हो सकती है, मे बी आपका टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो नेगेटिव एज ट्रिगर हो और पॉजिटिव एज ट्रिगर हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बनाना, या आपके क्वेश्चन में जैसा मेंशन हो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है तो प्लीज राइट डाउन जब भी आप वेवफॉर्म ड्रॉ करो कि यू आर ड्रॉइंग फॉर टी फ्लिप फ्लॉप विथ पॉजिटिव एज ट्रिगर। ठीक है, तो मैं जैसे पॉजिटिव एज कर रही हूँ, पॉजिटिव एज का मींस क्या है, जब क्लॉक पल्स 0 से 1 पर जाएगी तो इसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, तो आपकी स्टेट चेंज होगी। ठीक, नाउ अब हम टी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू को इनिशियली क्या करते हैं, एट रैंडमली कुछ भी ले लो। लेट मैंने क्या किया, यहां पर हाई कर दिया फॉर 2-3 क्लॉक पल्स, देन मैंने लो कर दिया। ठीक है, क्लियर है, ऐसे कर दिया। अब देखते हैं अब आउटपुट कैसे आएगी, क्लियर है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, क्यू एन होगा और क्यू एन बार होगा। ठीक है, तो क्यू एन को ड्रॉ करते हैं। वी ऑल नो कि अगर क्लॉक अप्लाई हुई, ठीक है, टी की वैल्यू 0 है, क्यू एन की वैल्यू जो होगी वही नेक्स्ट स्टेट होगी, मींस उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इनिशियली हम क्या मान के चलेंगे कि क्यू एन की वैल्यू क्या है, 0, फ्लिप फ्लॉप में कुछ भी स्टोर नहीं है। नाउ अब जैसे ही ये पॉजिटिव एज आई, हमने यहाँ पर देखा टी की वैल्यू को, टी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 0। क्या है यहाँ पर टी की वैल्यू, नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर टी इज 0। अगर टी की वैल्यू चेंज है मींस स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, वो प्रीवियस स्टेट पर ही रहेगा मींस 0 पर। ठीक, नाउ अब इस पॉइंट पर मींस नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे जब हमने देखा क्लॉक को, यहां पर क्या है, क्लॉक हाई हुई और टी की वैल्यू क्या है यहां पर 1, और 1 के केस में क्या होता है, इफ 1 है, क्यू एन 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, हाई होगी, मींस ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा, 0 से कहां जाएगा, 1 फॉर 1 क्लॉक पल्स। नाउ एट दिस पॉइंट न्यू क्लॉक पल्स स्टार्ट हुई, अगेन टी इज 1, मींस ये अपनी स्टेट को फिर से चेंज करेगा, प्रेजेंट स्टेट 1 थी तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लॉक पे इसने चेक किया, यहां पर पॉजिटिव एज पर टी की वैल्यू क्या थी, 0 मींस नो चेंज, टी की वैल्यू 0 मींस नो चेंज। मान लो लेट कि यहां पर मीनवाइल कहीं पर इसकी वैल्यू में चेंज हो जाता, तो इस पॉजिटिव एज पर क्यू एन की वैल्यू चेंज होती, 0 से क्या होती, 1 होती। ठीक है, तो अब क्यू एन बार कैसा होता है, क्यू एन बार जस्ट अपोजिट, मींस क्यू एन अगर 0 था तो क्यू एन बार हाई, क्यू एन अगर लो हाई था तो क्यू एन आपका लो। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट ड्रॉ करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सिंबल कैसे होगा, दिस इज टी, टू आउटपुट्स क्यू एन एंड क्यू एन बार। ठीक है, हम अगर पॉजिटिव एज की बात कर रहे हैं तो ऐसे होगा, एंड दिस इज इनपुट, ये क्या हो गया, सिंबल, ये क्या हो गई, क्लॉक। अगर आप नेगेटिव एड्स के साथ बनाते हो तो यहां पर एक बबल लगाते हो। ठीक है, प्लीज रिमेंबर विद नेगेटिव एड्स बबल इंक्लूड होगी एट द क्लॉक, अगर पॉजिटिव एड्स के साथ है तो विदाउट बबल होगा सिंबल एट द क्लॉक। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।